तो भाई बैड ब्लड में फाइनल बॉस द रॉक ने अपना रिटर्न कर लिया है। एंड जिस टाइम पे उन्होंने अपना रिटर्न किया उस टाइम पे वो रोमन रेंस, कोडी रोड्स और जिमी उसो तीनों को ही घूर रहे थे। बट फाइनल बॉस ने अपने रिटर्न की एक वीडियो पोस्ट की है जहां पर वो डस्टी रोड की जो पोस्टर है जो कि वैन पर लगी होती है उसके सामने खड़े होकर ये बात बोल रहे हैं कि डस्टी रोड्स जो है वो उनके हीरो हैं बट कोडी रोड्स से वो नफरत करते हैं। तो रॉक की इस स्टेटमेंट से ये चीज क्लियर लग रही है कि भाई जो रॉक हैं वो सबसे पहले कोडी रोड्स के ही पीछे जाने वाले हैं और कोडी रोड्स से ही वो सबसे पहले अपनी स्टोरी को फिनिश करेंगे जो कि उन्होंने रसलमेनिया से स्टार्ट की थी। एंड देन उसके बाद में रोमन रेंस से उनका बिजनेस स्टार्ट होगा। और जो रॉक ने 1-2-3 वाला जो जेस्चर किया था वहां से फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद हमें रसलमेनिया 41 के अंदर ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है रॉक वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में। इसके अलावा यार मेरी फीलिंग ये कह रही है कि भाई रॉक जो है अभी और सरप्राइज हमें दे सकते हैं और वो सरप्राइज ये हो सकता है कि रॉक रिवील करें कि भाई सोलो सिकुआ ने अभी रसलमेनिया के बाद जो कुछ भी किया है वो उनके कहने पे किया है। तो जो ट्राइबल चीफ है वो एक्चुअल में सोलो सिकुआ नहीं बल्कि फाइनल बॉस द रॉक हो। इसके अलावा यार बैड ब्लड के अंदर सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकएंटायर के बीच में जो मैच हुआ था वहां पर सीएम पंक ने जो रिंच का बॉक्स था जो कि ड्रू मैकएंटायर के मारा था उससे भाई ड्रू मैकएंटायर का जो सर है वो सच में फटा था एंड भाई जिसकी वजह से ड्रू मैकएंटायर को 16 टांके आए हैं। एंड ये बात भाई मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो लोग WWE को फेक बोलते हैं या फिर स्क्रिप्टेड शो बोलते हैं। भाई स्क्रिप्टेड है लेकिन इसमें का रिस्क होता है। एंड यार ड्रू मैकएंटायर वर्सेस सीएम पंक का जो हेल इन अ सेल मैच था उसमें सारे ही स्पॉट बढ़िया थे बट यार मैं एक स्पॉट को काफी ज्यादा मिस कर गया और वो स्पॉट था भाई कि दोनों ही सुपरस्टार सेल के अंदर रहे, सेल के ऊपर हमें कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला। बट ठीक है यार एक प्रॉपर एंडिंग हमें देखने को मिली है इन दोनों सुपरस्टार्स की फ्यूड की। और अगर यार तुम लोगों ने नोटिस किया हो तो पिछले कुछ टाइम से हमें ब्लड देखने को मिल रहा है WWE के अंदर एंड जब ब्लड हमें देखने को मिलता है तो WWE इसको ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं कर रही है पहले जैसे। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ की। तो भाई कल की मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें दो चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाले हैं जिसमें जो सबसे पहला मैच है वो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जे उसो वर्सेस जेवियर रूड के बीच में। एंड यहां पर मुझे लग रहा है कि जे उसो सक्सेसफुली अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेंगे। दूसरा जो मैच है वो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए गुंतर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में। एंड यहां पर मेरे को लग रहा है भाई कि गुंतर सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेंगे बट मैच के अंदर हमें गोल्डबर्ग का इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि भाई गुंथर अपनी चैंपियनशिप को हार जाएं। इसके अलावा कल की मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें शेमस वर्सेस पीट डन के बीच में भी मैच देखने को मिलने वाला है एंड इस मैच में शेमस के जीतने के चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं। बाकी रिया रिपली का जो गुस्सा है भाई वो रकेल रॉड्रिगेस के ऊपर फूटने वाला है। तो यही कुछ है भाई कल की मंडे नाइट रॉ के लिए। बाकी वीडियो के अंदर इतना ही। WWE के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।